उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलकियारा सुरंग के एक हिस्से के ढहने से उसमें फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की मशक्कत अब भी जारी है। जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ बोलिए। इस बीच सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई है। सामने आई तस्वीरों में सुरंग में फंसे मजदूर सेफ्टी हेलमेट लगाए हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को पहली बार गर्म खाना भेजा गया है। एक कैमरे को सुरंग के अंदर भेजा गया। कैमरे के इस फुटेज में फंसे सभी मजदूर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मजदूरों से वॉकी टॉकी पर बात भी की गई। बोलिए। 41 मजदूर एक हफ्ते से ज्यादा दिनों से सुरंग में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम अभी तक उन्हें निकाल नहीं पाई है। मलबा ज्यादा होने और ऊपर से मिट्टी धंसने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच सोमवार को 6 इंच की नई पाइपलाइन से पहली बार इन मजदूरों तक सॉलिड फूड पहुँचाने में कामयाबी मिली। अधिकारियों ने कहा कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें स्टील पाइप के माध्यम से भोजन और पानी की आपूर्ति की जा रही है। निर्माणधीन सुरंग महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना का हिस्सा है, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने की पहल है। रेस्क्यू टीम ने इसी पाइप से इन मजदूरों को बोतल में गर्म खिचड़ी भेजी। इतने दिनों में सही अच्छे से खाना नहीं मिलने से वो कमजोर हो चुके हैं। टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए हेमंत नाम के रसोइये ने खिचड़ी बनाई। उन्होंने बताया कि पहली बार है कि मजदूरों के लिए गर्म खाना भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि रेस्क्यू में जो संगठन जुड़े हुए हैं वो भारतीय सेना, NDRF, SDRF, BRO, NHIDCL, उत्तराखंड पुलिस, SGVNL, RVNL, लांस एंड ट्रूबो, THDC, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, ONGC, ITBP, राज्य लोनिव, DRDO, परिवहन मंत्रालय, होम गार्ड्स। वही आज SGVN की ड्रिल मशीन सुरंग के ऊपर पहुंचेगी, 24 घंटे में इंस्टॉल होगी। RVNL की ड्रिल मशीन भी सुरंग के ऊपर जाएगी। रोबोट को चलाने की कोशिश की जाएगी ताकि मजदूरों तक पहुंच आसान हो सके।